राम राम जी की। आज मैं लेकर आई हूँ आलू स्टफ्ड ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने का स्वाद तो क्या कहे, आप खुद ही ट्राई करके देख लीजिए। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या लेना है, एक बोल लेंगे जिसमें कि हम डालेंगे बेसन। बेसन मैंने यहाँ पर 4 कप लिया है। बेसन डालने के बाद हमें डालना है इसमें हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, चिली पाउडर स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा अजवाइन लिया है कुछ इस तरीके से, उसको आप हाथों से मसल कर फिर डालें, उससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार और पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसका बैटर तैयार करेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही डालें, एक साथ पूरा ना डालें, नहीं तो वो बिल्कुल पतला बैटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इसका बिल्कुल थिक बैटर तैयार करना है, बहुत पतला नहीं करना है इसका बैटर, ताकि ब्रेड के ऊपर जो है कोटिंग अच्छे से हो जाए। अब हम इस बैटर को साइड कर लेते हैं। तो अब हम लेंगे यहाँ पर 10 ब्रेड, मैंने यहाँ पर सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो व्हीट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, कोई भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसे मैंने इस तरीके से ट्रायंगल शेप में काट लिया है, आप इसे चाहे तो स्क्वायर भी रख सकते हैं या पूरा पूरा भी रख सकते हैं, जैसी मर्जी चाहे आप इसका शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ सारा ब्रेड काट लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए एक कढ़ाई लिया है जिसमें तेल डाला, जीरा डाला, हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हम ग्रीन चिली डालेंगे चॉप किया हुआ, थोड़ा सा अदरक डाला हमने यहाँ पर 1 टीस्पून, और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, कुछ सेकेंड्स के लिए भूनना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर और फिर इसे थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें डालना है कटी हुई हरी धनिया पत्ती और इसे थोड़ा सा इस तरीके से चला लेंगे। उसके बाद हमें इसमें डालना है थोड़ा सा मैश किया हुआ पोटैटो। यहाँ पर मैंने 5 से 6 पोटैटो उबले हुए ले लिए हैं, उसको मैंने मैश कर लिया था। उसके बाद इसे डालना है और फिर डालेंगे मैंगो पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद इस मिक्सचर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बिल्कुल ही मैश हो गया है ये, और बड़ा ही अच्छा मसाला बना है बगैर प्याज और बगैर लहसुन के, है ना मज़ेदार। तो अब हम इसको स्टफ कर लेते हैं। तो मैंने इस तरीके से एक पोर्शन के ऊपर स्टफिंग इस तरीके से हमें डालना है और इसे दबाकर अच्छे से भरना है, बहुत अच्छे से इसे भरना है। और अच्छे से मसाला खूब सारा रखिए, आप चाहे तो आलू की क्वांटिटी और भी ज़्यादा डाल सकते हैं ताकि ब्रेड जो है बिल्कुल स्टफिंग बहुत अच्छे से हो जाए उसके अंदर। तो इस तरीके से हमने स्टफिंग कर ली, साइड से जो भी मसाले निकले हुए उसे साफ कर लें और उसके बाद इसे थोड़ा सा हम दबा लेंगे अच्छे से अपने हाथों से। उसके बाद इस तरीके से मैंने सारा भर लिया है ब्रेड को। अब हम क्या करेंगे ना कि इसको बैटर में डुबोएंगे, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डुबोना है ताकि जो कोटिंग है बैटर की वो अच्छे से हो जाए। उसके बाद है तलने की बारी। तो अब हमने इसमें यहाँ पर तेल गरम कर लिया है, मैंने वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल किया है, उसमें हम इस तरीके से ब्रेड पकौड़ों को तल लेंगे। 1 से 2 आप एक बार में डाल सकते हैं तलने के लिए। तो इस तरीके से हमारा ब्रेड पकौड़ा तो बनकर तैयार हो गया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है ये। तो इसी तरीके से मैंने बाकी के पकौड़ों को भी बैटर में लपेट कर मैंने सारे ब्रेड पकौड़ों को तल लिया है। तो है ना ये बहुत ही आसान रेसिपी, बिना प्याज और बिना लहसुन के। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल नहीं किया है। जनरली मार्केट में आप जाएंगे ना तो आपको उसमें जो आप ब्रेड पकौड़ा खाते हैं उसमें सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, पर ये बगैर सोडा के ही बहुत सॉफ्ट, बहुत क्रिस्प बना है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और हाँ, रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कॉमेंट, सेव, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे बड़ी बात कि बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूले, ताकि मेरी सारी नई रेसिपीज की जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर देर किस बात की, आप भी बना डालिए ये आलू स्टफ्ड ब्रेड पकौड़ा घर पर। यकीन मानिए इसका टेस्ट बिल्कुल बाजार में मिलने वाले ब्रेड पकौड़े जैसा ही है। और हाँ, रिसेंटली मैंने स्टफ्ड मिर्ची भज्जी भी बनाई थी, आप उस वीडियो को भी देखना ना भूलें और हमें बताएं कि दोनों पकौड़ों में से सबसे ज़्यादा आपको कौन सी अच्छी लगी। तो चलिए इसी बात पर बनाइए आप ब्रेड पकौड़ा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।